शेजवान चटनी की रेसिपी के लिए इतने कमेंट्स, इतने मैसेजेस आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा यार चलो एक बार तो इसे बनाना बनता है। तो देखो सबसे पहले तो ये जो मैंने बेड़गी मिर्च लिया है ना, इसके बीज निकाल कर मैंने इसे उबाल लिया है। पर मैंने ये मिर्च लिया कितना है, तो मैंने इसे ले लिया है लगभग 20 से 25। 10 मिनट उबालने के बाद मैंने इसे मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसका पेस्ट बना लिया है। और पैन में ले लिया है थोड़ा सा तेल, लगभग 2 बड़े चम्मच। तेल गर्म करके मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है और इसे भी पका लिया है। और जो धनिया का डंठल होता है ना, उसे भी मैंने बारीक काट के डाल दिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। फिर वो जो लाल मिर्च का पेस्ट था, उसे भी डाल के अच्छी तरह से पका लेंगे। उसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और पानी ज्यादा नहीं, मैंने आधा कप ही डाला है। फिर पानी के साथ 2 से 3 मिनट पकाकर मैंने इसमें डाल दिया है नमक, विनेगर, काली मिर्च पाउडर, टमाटो केचप। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे।